तो मूर्तल घूमने के बाद हम लोग आ गए हैं T3 पे। मैं जाने वाला हूँ बिहार। सो लेट्स डू द वेब चेक इन फर्स्ट, आफ्टर दैट विल गो इनसाइड फॉर द सिक्योरिटी चेक। एयर इंडिया टचिंग में डिटेल्स ओवर है। सो ऑन टाइम मेन्यू एंड ओके। सो हियर इज द बोर्डिंग पास। सो इट्स थैंक यू, आई विल डू एग्जिट। सो इस तरीके का आपका बोर्डिंग पास प्रिंट हो चुका है। सो लेट्स गो फॉर द सिक्योरिटी चेक। So now you have to carry your Aadhaar card, PAN card in original, hard copy. They don't accept for soft copy if you're having in your phone and all. So they will say you go and get it your hard copy. Otherwise they will not let you in. Mention that you need to display your ticket and boarding pass with your ID card, and you need to hold this ID card and boarding pass at the time of checking and verification. Here we are in. यहाँ पे सारी फ्लाइट्स की टाइमिंग्स एंड ऑल मेंशन्ड है। सो हमारी वाली टाइम और जो फ्लाइट है वो ऑलरेडी ऑन टाइम है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा मतलब यहाँ पे चेक इन का फैसिलिटी है। काफ़ी सारी अलग अलग मशीनें लगी हुई हैं। हम तो इसको हैंड में ही कैरी करेंगे। लगेज काउंटर पर अपना काउंटर में चेकिंग करा लिया है एंड ये हमारा बोर्डिंग पास उन्होंने हमें नया वाला दे दिया है। इस साइड में काफ़ी लंबी भीड़ लग रही है, सो हम कहीं और मूव करते हैं। यहाँ पर भीड़ कम है। सो इट्स जोन 5। यहाँ पे भीड़ थोड़ी कम लग रही है। सो लेट्स चेक फॉर सिक्योरिटी। यहाँ पे कोई भी चीज़ें अलाउड नहीं करती। इवन आपके कड़े, बेल्ट, वॉच, रिंग, एवरीथिंग दे विल आस्क यू टू पुट इन द डब्बा जो भी आता है ना, बिन। सो उसमें रख लेंगे। सो एट दैट टाइम आई वुड नॉट बी एबल टू शूट दैट वीडियो। सो इसके बाद आपको कुछ दिखाना है मुझे कि मैं करने क्या वाला हूँ आज। सो 15 से 20 मिनट की सिक्योरिटी चेक के बाद फाइनली मैंने अपना बैग वगैरह सब पैक कर लिया है। जैसे घर से पैक करके लाओ ना, वैसे यहाँ पे धज्जियाँ उड़ जाती है। सारे सामान इधर से उधर, उधर से उधर घूम जाता है। सो द ट्विस्ट इज़ कि आज हम यहाँ पे लॉन्च में रुकने वाले हैं और वहाँ पे हम खाएंगे फ्री अनलिमिटेड खाना भर पेट, जितना चाहो उतना। तो कैसे खाते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। सो हमारा गेट है 27F। सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स 27। So let's find out the lodge first. There is a Plaza Lodge, I think. So I need to find it first. So this is the hall of IGIT 3. So ऊपर हमारा Plaza Premium है। So let's go to the lodge. फिर आपको बताऊँगा। Actually this will be my first experience to lodge. So Air India हमारी लगी पड़ी है वहाँ पे। Excuse me. सो आई एम रियली एक्साइटेड कि लॉन्च कैसा होता है। वैसे बेसिकली मैंने देखा नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम एक्साइटेड। दिस एरिया इज लॉन्च वेयर यू कैन सिट एंड वेयर यू कैन वेट फॉर योर फ्लाइट्स. And here you can have free food unlimited. If you have RBL Mastercard or Mastercard, it will charge 25 rupees. And if you have Visa card, it will charge only 2 rupees. Okay. So it depends on which card you are getting the offer. So on my RBL card, I have 4 complimentary lodge access at rupees 25, and in HDFC, I have 2 complimentary lodge access per year. Okay. So let's enjoy. You need to come that way and the plate will be there, and here you have to do self-services because they are not offering anything to you. So just get it. Okay. फूड क्वालिटी वाज क्वाइट इनफ, बट थोड़ा सा खाना ठंडा था, अदरवाइज टेस्ट गुड एंड द क्वालिटी ऑफ द पनीर वाज वेरी गुड बिकॉज इट वाज वेरी वेरी सॉफ्ट दैट आई हैड इन सात्विक साकेत. So overall experience is 7 out of 10. अगर ठंडा नहीं होता खाना. One more thing that I forgot to tell you. जो यहाँ पे खाना होता है बेसिकली इट्स एब्सोल्युटली फ्री एंड इफ़ यू हैव अ मास्टर कार्ड दैट इट विल बी चार्ज 25 रुपीज़ एंड इफ़ यू हैव अ वीज़ा कार्ड इट विल बी चार्ज 2 रुपीज़. ओके, बट फॉर द लिक्वर एंड इफ अदर अल्कोहल बेवरेजेस दैट यू हैव टू बियर एट योर ऑन कॉस्ट. ओके, सो दैट्स द थिंग. अगर आप सोच रहे हो अगर बियर वियर पियेंगे एंड फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इट्स नॉट लाइक दैट. यू हैव टू पे फॉर दैट. सामने एयर इंडिया लगी हुई है, ठीक है. DSLR कौन निकाले यार बैग से, ठीक है. अपने पास इतना टाइम नहीं है. वैसे अराउंड 45 मिनट्स इज देयर टू गो द फ्लाइट. तो यहाँ से व्यू बड़ा अच्छा आने वाला है. लेट मी ओपन द DSLR. इंटरनेशनल एयरपोर्ट पटना. सो मौसम इस टाइम अभी क्या है, 6:25 हो रहे हैं. मौसम एकदम काले काले बादलों वाला हो रखा है. सो अपना बैग चेक इन करते हैं, उठाते हैं और आफ्टर दैट आई विल लीव टू माई होम टाउन. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने नाना के घर जाऊँगा. सो इट्स अ सरप्राइज फॉर माई नाना. सो ये